वो स्पेशल पर्पस डायोड्स पर है। इसमें मैं आज कवर करूंगा जीनर डायोड, टनल डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड। कल मेरा जो पिछले कल पे सैटरडे को मेरा जो लेक्चर था वो सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से शुरू किया था मैंने, और उसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके रेक्टिफिकेशन प्रोसेस की। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। तो रेक्टिफाइड्स का जो आउटपुट है वो प्योर डीसी न होने की वजह से हमको उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐड करने पड़े, जिसे कि चार तरह के मैंने फिल्टर बताए। उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स कहते हैं। चार तरह के हमने इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स यूज किए थे, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर और पाई सेक्शन फिल्टर। इसकी मदद से हमारे पास जो उस पर रिपल्स थी वो रिपल्स रिमूव हुई और प्योर डीसी प्राप्त हुई। लेकिन इसके बाद प्योर डीसी मिलने के बाद भी हमारे पास, अगर हम चाहें कि वोल्टेज का रेगुलेशन हो, जैसे कि कई सारे अप्लायंसेस हैं जो कि एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वो डैमेज हो जाते हैं, जैसे फ्रिज है, फ्रिज के लिए फिक्स वोल्टेज चाहिए, उससे कम पे वो ऑपरेट नहीं होता है, उससे ज्यादा होने पे डैमेज हो जाता है। इसलिए वोल्टेज का रेगुलेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ऐसी पावर सप्लाई जो स्टेबलाइज पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जरूरत हमारे पास होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम एक स्पेशल पर्पज डायोड यूज करते हैं एंड वो है जीना डायोड। तो इधर मैं इस लेक्चर में जीना डायोड, उसके करेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा दो और डायोड हैं, टनल डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड, इनकी वही करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द जीना डायोड। जीना डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड है। ये भी पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब इस तरह से कांटेक्ट में रखा जाता है कि बाउंड्री पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी कंटिन्यूअस एट बाउंड्री। ऐसा नहीं कि आपसे पी और एन को जोड़ करके आपके पास जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो इस जंक्शन को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस है, जैसे ग्रोन जंक्शन है, फ्यूज्ड और अलॉय जंक्शन मेथड है, डिफ्यूज जंक्शन मेथड है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कि हम ये जंक्शन कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जीना डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में क्या अंतर है। पीएन जंक्शन डायोड और जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड और जीना डायोड में डिफरेंस है डोपिंग का अंतर है। इसको प्रॉपर डोपिंग करके जो है हम पी और एन टाइप में प्रॉपर डोपिंग करके जो पीएन जंक्शन बनाया जाता है उसे जीना डायोड कहते हैं। इसकी डोपिंग कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जिससे जो लिया है कि प्रोसेस वही है, यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं या मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही जंक्शन फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। और जहां पर जो जैसे यहां जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जब यहां से आ जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज ये रीजन नेगेटिव हो जाता है और रीजन पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल सेम सिमिलर वे एज वी डिस्कस इन केस ऑफ पी एन जंक्शन। बट हैवी डोपिंग होने की वजह से ये डिप्लीशन लेयर मीन्स बहुत जल्दी जो है ये डिप्लीशन यहां पर इस तरह का फील्ड क्रिएट हो जाता है कि वो जिसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल हिल कहते हैं, वो फर्दर डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन का एन से पी की तरफ और होल्स का पी से एन की तरफ रोक लेता है। उन पर जो है इनके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि इसको जंक्शन क्रॉस करने से रोक देता है। तो ये डिप्लीशन लेयर दोनों में जो अंतर हुआ, मेन दोनों में जो मेन अंतर है वो ये है कि डिप्लीशन लेयर का डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है इन कंपेरिजन टू पी एन जंक्शन। देखिए इसकी जो डिप्लीशन लेयर है इन केस ऑफ जीना डायोड इसकी थिकनेस 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में ये
0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। तो जीनर डायोड में ये डिफरेंस है जीनर और पीएन जंक्शन डायोड में। अब आप देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वही फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। आई करेक्टरिस्टिक में देखिए पीएन जंक्शन को मैंने कहा था पी और एन टाइप जंक्शन। पी को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़े और एम श्रे को उसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े तो इस तरह से ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी करेक्टरिस्टिक बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करता है। लेकिन रिवर्स बायसिंग में इसमें फील्ड इंटेंस फील्ड क्रिएट हो जाता है। इंटेंस फील्ड क्रिएट होने की वजह से उसमें एक जीनर इफेक्ट काम करने लगता है। जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन आता है, इसमें जीनर ब्रेकडाउन आता है। वैसे 5 to 8 माइक्रोमीटर पर सॉरी वोल्टेज पर 5 to 8 वोल्टेज पर दोनों इफेक्ट होते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन भी और जीनर ब्रेकडाउन भी। 5 वोल्ट से नीचे 6 वोल्ट देर अबाउट 5 to 6 वोल्ट के नीचे जीनर ब्रेकडाउन भी डोमिनेट करता है। डोमिनेटिंग जो है वो जीनर ब्रेकडाउन है, जबकि इससे हायर पर डोमिनेटिंग एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। तो इसलिए लोअर वैल्यू पर यहां पर जीनर ब्रेकडाउन से हम पर लार्ज करंट फ्लो कर रही है, लार्ज इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं बाई जीनर इफेक्ट। जबकि वोल्टेज देखिए आप, वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, मीन्स इसमें करंट में इतने सब वेरिएशन के होने पर भी वोल्टेज उसकी आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट है। इसकी इसी प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये काफी कम वोल्टेज पे हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन प्राप्त हो जाता है, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। मीन्स करंट में कितना ही वेरिएशन आ रहा हो लेकिन आउटपुट वोल्टेज उसका कॉन्स्टेंट रहता है। देखिए इस तरह से हम इसका जीनर रेगुलेशन यूज करते हैं सर्किट में। इसका सिंबल भी दिखाया हुआ है पीएन जंक्शन और इसमें जो अंतर है ये जेड टाइप की शेप का इसमें सिंबल है। पीएन जंक्शन में ये एरो हेड है और ये बार है, लेकिन इस केस में जो बार है वो जेड की शेप का हो जाता है। इसको हम आउटपुट में इस तरह से पैरेलल में लगाते हैं और इसके आउटपुट जो वोल्टेज हमारे पास आती है वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज आती है। इस तरह से हम इसे जीनर रेगुलेशन में यूज करते हैं। इसके और एक यूज और है जीनर लिमिटिंग, इस तरह से शेप की लिमिटिंग करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं जीनर डायोड को। इसकी एप्लीकेशन सिंपली होगी एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एज ए फिक्स रेफरेंस वोल्टेज इन ए नेटवर्क फॉर बायसिंग एंड कंपैरिजन, फॉर कैलिब्रेटिंग वोल्ट मीटर, फॉर अवॉइडिंग मीटर डैमेज बाय एक्सीडेंटल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव वोल्टेज, इन सब चीजों के लिए हम जीनर को या जीनर डायोड यूज करते हैं। जीनर डायोड की विशेषता यह है कि हम इसका जो यूज है रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में ही ये हमारे वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है। आप कह सकते हैं कि इसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज क्यों नहीं किया जा सकता। फॉरवर्ड बायसिंग में यूज अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में बिल्कुल ये उसी तरह से बिहेव करता है जैसे पीएन जंक्शन डायोड है। तो पीएन जंक्शन डायोड जब हमारे पास है और उसी तरह से सिमिलर बिहेवियर इसका है फॉरवर्ड बायसिंग में, तो हमें बेटर ये है कि हम पीएन जंक्शन डायोड ही यूज करें। नाउ नेक्स्ट स्पेशल पर्पस डायोड हमारे पास है टनल डायोड। इसका नाम ही जैसे है टनल डायोड, वैसे इसे इसाकी डायोड भी कहते हैं क्योंकि आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जापानी साइंटिस्ट लियो इसाकी। ये भी जो डायोड ये बनाया जाता है टनल डायोड, इसको टनल डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्वांटम टनलिंग पे डिपेंडेंट है। इसमें जो प्रोसेस होती है क्वांटम टनलिंग प्रोसेस, इसको बनाने का तरीका ये है कि इस पे हैवी डोपिंग की जाती है। पी और एन टाइप में हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है। हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होने से क्या हो जाएगा, जब हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होंगे तो जो डिप्लीशन लेयर है ये बहुत ही थिन हो जाती है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसी तरह से, लेकिन बहुत जल्दी वो डिप्लीशन लेयर बहुत पोटेंशियल बैरियर की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है।
इसकी जो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है दैट इज नियर अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम और लेस देन इट, जैसे हम कह सकते हैं 10 नैनोमीटर, इसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर या उससे कम होती है। इससे इससे क्या होगा, इसमें जो इफेक्ट है वो फील्ड, इंटेंस फील्ड क्रिएट हो जाता है। E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, डी अगर हम कहें कि थिकनेस उसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है, तो फील्ड की वजह से इस तरह से इसमें फील्ड इफेक्ट काम करना था। तो प्रोसेस जो क्वांटम टनलिंग, जस्ट उसकी क्वांटम टनलिंग है क्या, क्वांटम टनलिंग जो प्रोसेस है, सपोज कीजिए कोई बैरियर है, सर्टेन हाइट का बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है। क्लासिकली अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, तो क्लासिकली अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर के हाइट से कम है तो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। बट क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर की हाइट से कम भी है, तब भी इसके यहां पाए जाने की, इस बैरियर के पार पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी, दो स्मॉल बट फाइनाइट, ये जीरो नहीं हो सकती। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि इसकी एनर्जी कम होने, पार्टिकल की एनर्जी कम, पोटेंशियल बैरियर हाइट से कम होने के बावजूद भी ये इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर जिसके बैरियर के दूसरे पार पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होने की, इसका मतलब ये कहते हैं, ये कहते हैं कि ये बाई टनलिंग प्रोसेस ये पार्टिकल यहां से यहां चलेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टनलिंग या क्वांटम टनलिंग। और इसके इस टनलिंग प्रोसेस होने की वजह से ये डायोड टनल डायोड कहलाता है। इसाकी डायोड इसलिए कहलाता है क्योंकि साइंटिस्ट लियो इसाकी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। तो ऑपरेशन समझे, इसकी जो ये स्पेस चार्ज रीजन, जिसे हम डिप्लीशन रीजन कह रहे हैं या स्पेस चार्ज रीजन कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये पी रीजन है, ये पी रीजन है, इसमें लार्ज बैरियर क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर की हाइट इन कंपैरिजन टू पी एन जीरो डायोड इज मोर, तो डिप्लीशन विड्थ बहुत कम हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर की, इसमें इसको बनाने में जो है हाई कंसंट्रेशन, जैसे ये बताया मैंने कि इसकी जो डोपिंग है नियर अबाउट 10 to 20 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड जो यूज करते हैं उसमें पी में जो डोपिंग होती है वो 1 part in 10^8 मीन्स, अगर 10^8 एटम्स सेमी कंडक्टर के हैं, प्योर सेमी कंडक्टर है, तो उसमें 1 part जो है इंप्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे इंप्योरिटी मैंने बताई थी कि पी टाइप बनाने के लिए हमको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करना होता है, और एन टाइप सेमी कंडक्टर फॉर्म करने के लिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो 1 to 10^8 ये रेशू अगर हम रखते हैं तो हमारे पास सिंपल पीएन जंक्शन होता है। लेकिन टनलिंग डायोड में ये रेशियो 1:10^3 मीन्स 1 part ऑफ द इंप्योरिटी इज एडेड इन 10^3 पार्ट ऑफ सिलिकॉन और एनी सेमी कंडक्टर जिसका हम क्या कहते हैं ये बनाना चाह रहे हैं, पी टाइप या एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाना चाह रहे हैं। इससे इसकी डिप्लीशन विड्थ बहुत कम हो जाती, लेस देन 10 नैनोमीटर या आप कह सकते हैं 100 एंगस्ट्रॉम से कम होती। अब आप प्रोसेस में देखेंगे तो इसमें इसके क्वांटम टनलिंग से इसमें दो तरह के करंट है, एक तो नॉर्मल इंजेक्शन करंट और एक टनल करंट। टनल डायोड में दो करंट हुई, एक तो नॉर्मल इंजेक्शन करंट और एक टनल करंट। नॉर्मल इंजेक्शन करंट तो उसी तरह से कि फॉर्मल बायस में जैसे हमने कहा ये जीरो बायस है, जैसे इसको जब हम बायसिंग देते हैं तो वो प्रोसेस नॉर्मल इंजेक्शन करंट की प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होती, जीरो बाइस या बिल्कुल लो वोल्टेज पे, क्योंकि वो जैसे जैसे 22 वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि पोटेंशियल बैरियर हाइट से के बराबर या उससे ज्यादा जब हम बाहर से फील्ड क्रिएट करेंगे या फील्ड अप्लाई करेंगे, तो अगर ईआई में कोई इंटरनल फील्ड है या पोटेंशियल बैरियर हाइट है और हमने ईओ बाहर से लगाया तो नेट फील्ड ईओ माइनस ईआई होगा, उसकी वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी देयर अक्रॉस द जंक्शन।
और वो लो वोल्टेज पे इस केस में टनल डायोड में वो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। दूसरी वैल्यू जो मैंने कहा फील्ड इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि फील्ड इतना इंटेंस है कि वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अलाइन कर देता है और उसको टनल के थ्रू पार करा लेता है। जैसे द नेक्स्ट पेज ये प्रोसेसर इलेक्ट्रॉन, जब हमने इसमें बाइसिंग बढ़ाई स्लाइटली फॉरवर्ड बाइस किया, फॉरवर्ड बाइस करने का तरीका वही है कि हम इसके पी रीजन को पॉजिटिव और एन रीजन को नेगेटिव करेंगे तो ये फॉरवर्डली बाइस हो जाए। बट स्लाइटली अगर हमने जैसे इसको फॉरवर्डली बाइस दिया तो इसके एन रीजन, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके एन रीजन का जो कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है, होल्स वैलेंस बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन कंडक्शन बैंड आर एनर्जेटिकली अलाइन टू द होल्स इन द वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन एंड टनलिंग अकर्स। इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ये टनलिंग प्रोसेस होगी इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से, दिस इज द एन रीजन एंड दिस इज द पी रीजन, टनलिंग प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन की तरफ, और हमारे पास करंट इस तरह से देखिए ये करंट बढ़ गई। अगर हम फर्दर करंट बढ़ाते हैं, फर्दर अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं, बाइस वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो मैक्सिमम करंट विल बी प्रोड्यूस, दिस इज मैक्सिमम करंट व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अलाइन विद द होल्स इन द पी रीजन एंड वी हैव ए मैक्सिमम टनल करंट। यहां पर करंट जो है टनल करंट, जबकि इसमें टनल करंट जो है मैक्सिमम है, लेकिन जो नॉर्मल इंजेक्शन करंट है वो नेग्लेजिबल है या सिग्निफिकेंट नहीं। बट फर्दर अगर हम इसी को और आगे बढ़ाते जाएं, बाइसिंग को बढ़ाते जाएं, फिर क्या होगा, बाइसिंग के बढ़ाने से जैसे इसकी बैरियर हाइट कम होगी, ये वही कंडीशन है जो पीएन जंक्शन में होती है, वही मैकेनिज्म होगी जो पीएन जंक्शन में होती है। मतलब अब जो पीएन जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रॉस करते हैं जंक्शन को, वो इसको ओवरकम करता है, बैरियर को ओवरकम करके, और यहां पर जो टनलिंग प्रोसेस है, टनलिंग करंट इज बिकॉज ऑफ द टनलिंग प्रोसेस। तो इस केस में देखिए आप, जैसे हमने फर्दर बढ़ाई तो यहां ये टनलिंग करंट कम होगी, ये घटने लगी, दिस इज द टनलिंग करंट, टनलिंग करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हाइल जो कि यहां पर शो नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही यहां पर जो है इंजेक्शन करंट बढ़ने लगती, नॉर्मल इंजेक्शन करंट मीन्स कुछ सारे चार्ज कैरियर, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स वो क्या करने लगते हैं, वो ओवरकम एन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ और पी से होल एन रीजन की तरफ, इस तरह से ओवरकम करते हैं और उसे उसका रिजल्टेंट होता है नॉर्मल इंजेक्शन करंट। इस तरह से यहां पर ये करंट घटने लगी, टनल करंट और इंजेक्शन करंट बढ़ने लगी, दिस इज द नाउ द ट्रेंड ऑफ द टनलिंग करंट। एक पॉइंट आता है जैसे ये वोल्टेज मिनिमम जो इसकी वैली कहलाती है, इस पोजीशन में टनलिंग करंट मिनिमम होगी, ये वो वोल्टेज है जहां पर बिल्कुल अब इसके बाद ये उसी तरह से बिहेव करने लग रहा है। देखिए ये डॉटेड जो लाइन दिखाई गई है, डॉटेड लाइन, इट इज द नॉर्मल इंजेक्शन करंट, मीन्स इस दौरान यहां से लेकर के यहां तक, इस दौरान जो है ये जो करंट हमारे पास मिली, इट इज बिकॉज ऑफ टनलिंग प्रोसेस, टनलिंग मैकेनिज्म, इसकी वजह से जो करंट है यहां डोमिनेंट करंट यही है टनलिंग करंट, जबकि जो करंट डॉटेड में जो दिखाई गई है ये नॉर्मल इंजेक्शन करंट है जो कि बहुत ही कम है, नॉट सिग्निफिकेंट। बट एक पॉइंट जो यहां पे दिखाया गया, जिस पॉइंट पर आते आते टनलिंग प्रोसेस, क्योंकि बैरियर की हाइट कम हो जाए, जैसे आपने जो बाइसिंग की बात इतनी ज्यादा है कि वो बैरियर की हाइट कम होगी और बिल्कुल जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो उसी तरह से उसको क्रॉस कर रहे हैं जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड में कर रहे थे। अब यहां से इसके आगे टनलिंग करंट का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो गया या जीरो हो गया, और ये जो करंट है ये करंट जो है वो पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही नॉर्मल इंजेक्शन करंट की तरह, मीन्स इस रीजन के बाद ये जो बिहेवियर है इसका, इट्स बिहेवियर इज एग्जैक्टली इन द सेम, और बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर कर रहा है जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड, यहां की बात का जो करेक्टरिस्टिक्स है दिस वन। ओके, नाउ अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें,
हैवली डोप्ड होने की वजह से, जैसे मैंने कहा था जीनर ब्रेकडाउन, इसका इवन 0.22 पर ही, इसका 0.22 देखिए यहीं से जो है करंट, वहां पर हमारे पास जीनर में जो जो फिगर थी, जो करेक्टरिस्टिक थी जीनर में, यहां आकर के जीनर ब्रेकडाउन होता था, ये बिल्कुल जीरो से ही शुरू हो गया, इसका ब्रेकडाउन शुरू हो गया, मीन्स रिवर्स बाइस वोल्टेज ब्रेकडाउन इसका यहीं से शुरू हो गया। इसे इसका एक जैसे कि हमने वहां पर पीएम जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के लिए यूज कर रहे थे, तो इसमें हम रेक्टिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेक्टिफायर के लिए जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो है यूनिडायरेक्शनल ऑफ द डायोड, जो एक डायरेक्शन में उसके करंट एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में नेग्लिजिबल करंट, लेकिन यहां देखिए एकदम जिसने का जीरो से ही करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, इट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज करंट, क्योंकि फील्ड जो है इंटेंस होने की वजह से जीरो ब्रेकडाउन आपका पहले ही आ गया। ओके, तो ये इसलिए इसको जो है ये हाई लीकेज करंट होने की वजह से वी कैन नॉट यूज, और इट विल नॉट एक्ट एज ए गुड रेक्टिफायर। तो टनलिंग के, टनलिंग को हम एज ए रेक्टिफायर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके क्या यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके टनल, पहली बात है इसकी जो प्रोसेस, देखिए एक बार पुनः ये रह गया था, ये इसका सिंबल है, सिंबल में अंतर है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि पीएम जंक्शन डायोड को सिंपली अगर हम इसे ये एरो हेड और इसके सामने ये लगा हुआ है इसका बार, ये तो पीएम जंक्शन डायोड, अगर इस तरह का ब्रैकेट टाइप का अगर हम इस पे लगा दें, एक बैरियर जैसे बना दें, ये इस पे अगर लगा दें तो ये टनल डायोड होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड, दिस इज सिंबल ऑफ टनल डायोड। अब इसका आइडेंटिफिकेशन आप देखते हो, इसे पीएम जंक्शन डायोड को भी कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसमें कलर लगे होते हैं, एक तरफ ब्लैक होता है, पी टाइप को ब्लैक कर लेते हैं, और जो सिल्वर कलर होता है वो एन टाइप होता है। कई जो है क्या कहते हैं, जैसे बीएल कंपनी जो डायोड बनाई है वो पी और एन को आइडेंटिफाई करने के लिए वो रेड और ब्लू डॉट लगा देती है, रेड फॉर पी एंड ब्लू फॉर एन, इस तरह से वो बना देती है। तो ये करेक्टरिस्टिक देखिए आप, इसमें थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है, जस्ट सी हियर, ये पूरा करेक्टरिस्टिक इसका ये हुआ, ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया, यहां पर एकदम ब्रेकडाउन आ गया रिवर्स बाइसिंग में, जो हमने आपसे कहा इसकी जो लीकेज करंट ज्यादा होने की वजह से ये हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि एज ए रेक्टिफायर हम यूज नहीं कर सकते। बट इसके पॉजिटिव साइड में जाइए कि फॉरवर्ड बाइसिंग में देखिए ये एकदम करंट होती बहुत जल्दी, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट, इतना कम समय में इसके करंट जो एकदम पीक वैल्यू को पहुंच जाती है बाय द स्पीड ऑफ लाइट। और उसके बाद इसका मतलब है इसको हम इस पोर्शन का यूज करके इसको स्विचिंग डिवाइस के लिए के रूप में यूज कर सकते हैं, तुरंत जैसे आपने दबाया तुरंत जो है आपको सिग्नल मिले। इस रीजन में देखिए जैसे ये वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और करंट क्या हो रही है, घट रही है, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घट रही है इस रीजन में, इस रीजन को कहते हैं, अगर वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घटती है तो दिस रीजन, इस तरह के रीजन को कहते हैं नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। इसका यूज करते हैं, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन का मतलब क्या है कि ये इट विल जनरेट पावर इफ ऑपरेटेड इन दिस रीजन, ये जो है अगर इस रीजन में हम इसको ऑपरेट करें तो ये क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा। इफ ए डिवाइस इज ऑपरेटेड इन दिस रीजन इट विल जनरेट पावर, सो इसका बेस्ट यूज है, इट कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर, इट कैन बी यूज एज एन ऑसिलेटर, तो हम एज ए ऑसिलेटर इसको यहां पर इस वाले रीजन का, इस रीजन में अगर उसे ऑपरेट कराए तो एज ऑसिलेटर हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट से मैंने कहा तो इसको हम टनल डायोड यूज एज ए स्विचिंग डिवाइस, इसकी जो स्विचिंग टाइम है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड 10^-9 सेकेंड में ही स्विचिंग डिवाइस की तरह हम इतने कम सेकंड होने की वजह से स्विचिंग डिवाइस के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस टनल डायोड इज यूज एज ए माइक्रोवेव ऑसिलेटर एट फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 10 GHz, ये इसके यूजेस है, एप्लीकेशन है। ये तो था टनल डायोड के बारे में, पहले मैंने आपको जीनर के बारे में बताया, फिर टनल डायोड के बारे में। सिर्फ डोपिंग कंसंट्रेशन के अंतर होने से प्रोसेस चेंज होगी, मैकेनिज्म चेंज होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक चेंज होगी। तो अब मैं एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे आप देखते हैं और जिसका उपयोग करते हैं, ये डायोड का हम मैं जिक्र करना चाह रहा हूं और मैं आपको
बताना चाह रहा हूं इसके बारे में, दैट इज द लाइट इमिटिंग डायोड। आपने देखा होगा आपके कैलकुलेटर में डिजिट्स आती है, उसमें डिजिट भी जो आते हैं कभी रेड आते हैं, किसी में येलो आते हैं, किसी में ग्रीन आते हैं, इसका रीजन क्या है? या कभी आपने लाइट देखा होगा कि स्टेशन पे लगे डिफरेंट टाइप की लाइट आते हैं, वो बोर्ड बने रहते हैं, तो उसके लिए जो जो डिवाइस होती है उस पर जो मेन फंक्शन है दैट इज द लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी के नाम से जानते हैं। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड क्यों कहते हैं? इट्स अ डायोड, सिंपली इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डायोड। बट लाइट इमिटिंग डायोड इट मींस ये ऑपरेशन में जैसे हम इसको फॉरवर्डली बायस करते हैं, इट इमिट्स लाइट, ये लाइट को इमिट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ जो है लाल कलर के होते हैं डायोड की तरह, आपने देखे होंगे, और अक्सर आपने देखे जहां भी हम डिटेक्टर के रूप में इसे यूज कर लेते हैं, अपने लेबोरेटरी में हम डिटेक्टर के रूप में यूज करते हैं, कहीं भी अगर आपने डिटेक्ट करना हो कि भाई सर्किट सही दे रहा है, जैसे आपने डिफरेंट गेट्स के लिए आप करते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट गेट्स का जो वेरिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि स्विच ऑन ऑफ 10, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, उससे हम यही डिटेक्टर के रूप में एलईडी का ही प्रयोग करते हैं। तो ये पहले बात आती है कि लाइट इमिटिंग डायोड क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट रेडिएशन को इमिट कर रहा है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्यों पर्टिकुलर लाइट को इमिट कर रहा, कोई येलो है कैसे ये ग्रीन लाइट को, येलो लाइट को, रेड लाइट को इमिट कर रहा, इसका सिद्धांत समझिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जब ये पीएन जंक्शन डायोड है तो पीएन जंक्शन डायोड में क्यों लाइट इमिटिंग होती है, या जीरा डायोड में या दूसरे डायोड्स में, क्योंकि जब ये पीएन जंक्शन डायोड, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका सिंबल ये है, देखिए ये बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड से बनाया हुआ है अंदर का सिंबल, लेकिन बाहर इस पे ये जो एरो बने हुए हैं ये शो कर रहा है कि लाइट इमिशन। सो दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। नाउ इसके सिद्धांत को समझिए, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करना चाहें, कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करना चाहें, तो सर्टेनली हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मीन्स इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर सम एनर्जी इज नीडेड, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन, वैसे भी एनर्जी जो है मैटर को वो कहते हैं, जैसे आप कहते हैं एनर्जी से मैटर, एनर्जी से जो है हम क्या करें, कुछ एनर्जी देंगे से उससे क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। तो अगर हम क्या करें, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर है, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना चाहे तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका उल्टा सोचिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक होल से रिकम्बाइन कर गया तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, रिलीज हो जानी, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज फेमस रिलेशन, Eg इज इक्वल टू एच न्यू। Eg यहां पर सपोज कीजिए एनर्जी बैंड गैप है, मैंने कहा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है दैट इज फॉरबिडन गैप, उसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। जो अलग अलग सेमी कंडक्टर्स का या उसके जो कंपाउंड्स हैं सेमी कंडक्टर्स, उनके लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। ध्यान दीजिएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, प्लैंक कॉन्स्टेंट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट प्लैंक, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अगर हम इसको लैम्डा के टर्म में लिखना चाहें तो न्यू इज इक्वल सी अपॉन लैम्डा, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ईजी। तो ईजी पर डिपेंड कर रहा है, देखिए आप जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल से रिकम्बाइन करेगा तो कौन से रेडिएशन को इमिट करेगा, किस वेवलेंथ के रेडिएशन, ये डिपेंड करता है ईजी पर, उस मटीरियल का, इसका मतलब मटीरियल का सिलेक्शन है, उस मटेरियल के ईजी पर डिपेंड कर रहा है एनर्जी बैंड के पर कि क्या वेवलेंथ देगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यहां लें, गैलियम आर्सेनाइड है, इसका बैंड गैप है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईजी की वैल्यू है गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इससे इसकी लैम्डा कैलकुलेट करें कि सपोज कि गैलियम आर्सेनाइड का कोई एलईडी बनी हुई है और उसको फॉरवर्डली बाइस करें, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जैसे एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके एन से पी रीजन में जाएगा तो वो होल से क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा, तो एक जैसे उसने रिकम्बाइन किया उसने जो रेडिएशन इमिट किया उसकी वेवलेंथ होगी कितनी होगी, जैसे ही उसके एच की वैल्यू पुट कर दें, एच प्लैंक कांस्टेंट है, 6 एमकेएस यूनिट हम ले रहे हैं, 6.62 × 10⁻³² इसकी यूनिट है, सॉरी वैल्यूज है, सी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड,
और ईवी की वैल्यू वोल्ट में 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो वोल्ट में 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 से इससे मल्टीप्लाई कर दे, इट इज इन वोल्ट, मींस यूनिट को हमने इसमें कर दिया। तो ये कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आती है 8500 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इसमें जो रेडिएशन निकलेगा दैट विल बी दैट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन है, इंफ्रारेड रीजन नियर अबाउट 700 नैनोमीटर से ज्यादा की जो वेवलेंथ है दैट इज दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफ्रारेड रीजन। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड लेते हैं, मतलब जो एलईडी जो बना हुआ है वो किस मटेरियल है, कौन से सेमीकंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर कंपाउंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAsP, इसका ईजी की वैल्यू है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे अगर हम बिल्कुल उसी तरह यहां पर इसकी वैल्यू पुट करें, बाकी तो पैरामीटर सब कॉन्स्टेंट है, एच की वैल्यू वही है, सी की वैल्यू वही, सिर्फ ईजी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जहां 1.45 है वहां अगर हम 1.9 वैल्यू पुट कर लें तो इसकी जो वेवलेंथ आती है दैट कम्स 6500 एंगस्ट्रॉम। ये 65 एंगस्ट्रॉम, देखिए विजिबल लेवल मैगर के लिए, इसका मतलब अगर इस मटेरियल का कोई एलईडी बना होगा तो वो जो लाइट को रेडिएट कर रहा है वो किस तरह की लाइट आएगी, रेड लाइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये डिफरेंट कलर्स की लाइट छोड़ता है। अब ये आप पर है नाउ, ये आपकी आप प्रॉपर चॉइस ऑफ बैंड गैप ऑफ द मटेरियल पर है कि किस तरह जो लाइट आप चाहते हैं, जो डिजायर्ड वेवलेंथ आप चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको उसी तरह से प्रॉपर बैंड गैप का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर इस तरह से हम जिस भी लाइट या जिस भी कलर की लाइट चाहते हैं उस तरह से हमको उसको मटेरियल यूज करना पड़ेगा, और उस मटेरियल ऐसा मटेरियल उसकी वेवलेंथ क्या आ जाए, वो विजिबल रीजन में आ जाए, रेड में आना चाहे, मतलब अगर आप चाहते हैं रेड लाइट तो वो लगभग इस तरह क्या है, अगर आप वॉयलेट चाहते हैं तो 420 to 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेंज आ जाए, इस तरह से डिफरेंट। दूसरी बात, अब मैं ये कहता हूं जस्ट फ्यू मिनट बैक मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि क्या ये पीएन जंक्शन में नहीं होता रिकॉग्निशन, इसका जवाब यहां से आपको मिल जाएगा। वहां पर वो एज ए हीट के रूप में रेडिएट हो रहा है, जैसे आपने देखा कि यहां पर जो है अगर इसकी वैल्यूज और कम हो जाए, इसकी वैल्यू और कम हो जाए तो और ये इस रीजन में आएगा जो आपको दिखाई नहीं देगी, या एज ए हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो आपको जब ये तभी दिखाई देगी, आपको रेड कलर तभी दिखाई देगा, विजिबल रीजन में होते आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये रेडियो वेव से लेकर के गामा रेंज तक आप डिफरेंट उसमें कैटेगराइज किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट ये स्पेक्ट्रम कौन सा हम देख सकते हैं, हम जो देख सकते हैं दैट स्पेक्ट्रम वी कैन सी विच लाइट इन द विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन जो है 400 नैनोमीटर से नियर अबाउट 700 नैनोमीटर के बीच में आती है। तो इस रीजन में अगर कोई रेडिएशन है तो वो हम देख सकते हैं, उसमें भी मैंने अलग से बताया तो रेड के लिए अगर रेड वेवलेंथ में आएगी तो रेड कलर आएगा, अगर उसकी वेवलेंथ वॉलेट वाली रेडिएशन वो इमिट करेगा तो वॉलेट कलर दिखाई देगा, एंड सिमिलरली ग्रीन येलो इंडिको इट्सेट्रा। तो इसका प्रिंसिपल था, अब इसका यूज देखिए आप, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जस्ट सी हियर। अब आप देखते हुए जैसे ही कैलकुलेटर ऑन करते हैं तो जस्ट एक बार आपके पास आता है पूरा एक दिखाई देता है, किसमें जीरो दिखाई देता है, कैसे ये डिस्प्ले करता है, सेवन डिस्प्ले ऑफ 0 to 9 डिजिट। ये इस तरह से अगर हमने इसके ये देखिए ये 8 की शेप में एलईडी लगाई हुई है, ये सर्किट नीचे बना हुआ है, ये एलईडी है, सिंपली आपको जो दिखाई दे रहा है ये एलईडी है, लेकिन ये एलईडी इसको मैं सिंपल सिमेट्रिक डायग्राम जो यहां पर बना है इससे मैं I will try to explain how we can display 0 to 9 digits. 0 से लेके 0, 1, 2, 3 सो पहले 0 पे आते हैं। अगर ये देखिए ये वाली इसको मैं A कह रहा हूं, ये एलईडी जो A एलईडी है, B है, C है, D, E, F और G, इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेवन एलईडी लगी हुई है। अगर 1 है इस तरह की इसके कनेक्शन हो कि इस तरह से अगर हम देखें कि ये इस तरह से इसे ऑपरेट कराए कि सिर्फ जी वाली जो बीच की है जी वाली एलईडी ऑफ हो जाए, बाकी सब ऑन रहे, तो इट विल वी विल हैव द जीरो। ये सिर्फ ये बीच की ऑफ है सिर्फ हमें ये दिखाई देगा, ये ऑन होगी, ये सारे ऑन होगी लाइट दिखाई देगी, और इस तरह से हमारे पास
जीरो की डिजिट आ जाएगी। अगर सिर्फ जो है बी और सी वाली एलईडी ऑन है, बाकी ये सब ऑफ रहे, तो विल हैव वन। टू देखिए, अगर ये देखिए ए वाली ऑन है, बी वाली ऑन है, जी वाली ऑन है, ई वाली ऑन है और डी वाली ऑन है, तो ये बन जाएगा टू। इसी को अगर थ्री बनना है तो देखिए इसको ये बाकी ऑफ कर दे, ये सिर्फ ऑन रहेगी, थ्री वाली को ऑन कर दे, बी सॉरी ए वाली को ऑन कर दे, थ्री बनाने के लिए है, ए वाली को ऑन, बी वाली ऑन, सी वाली ऑन, डी वाली ऑन और ये जी वाली ऑन, सिर्फ ये दोनों ए और एफ ऑफ रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो डिजिट आएगी, जो दिखाई देगी, जो डिस्प्ले होगी डिजिट, दैट विल बी थ्री। लाइक नाउ फोर, दिस इज फोर, ये फोर वर्क। यहां से देखिए आप एफ एफ जी बी और सी ये ऑन रहेंगे तो फोर बन जाएगा। फाइव देखिए, फाइव के लिए ए ए वाली एल ऑन, एफ ऑन, जी ऑन, सी ऑन और डी ऑन, ये फाइव बन जाएगा, बाकी ऑफ। सिक्स के लिए ए ऑन, एफ ऑन, ई ऑन, डी ऑन और सी ऑन, तो ये और जी ऑन। इस तरह से देखिए, ये ए से लेकर के ऐसा एफ जी डी सी और जी, ये बन गया सिक्स। सेवन के लिए ए वाली ऑन, बी वाली ऑन, सी वाली ऑन और एट के लिए सारे की सारे एलईडी ऑन करनी पड़ेगी, सारी की सारी इस तरह से कनेक्ट, सारे की सारी एलईडी ऑन नहीं, तो वी विल हैव ए डिजिट एट, एट डिजिट एट डिस्प्ले हो जाएगा। नाइन के लिए, नाइन के लिए सिर्फ ये जो है ये ई वाली, ई वाली जो है एलईडी ऑफ होगी और बाकी सारे ऑन होंगे, तो नाइन डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से जीरो से नाइन डिजिट डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरह से जो है आपने देखा होगा कि आप किसी भी बटन को दबाते हैं तो एकदम वो डिजिट सामने आती है, तो डिस्प्ले का है कि वो कनेक्शन किससे जोड़ रहा है, जिस तरह से कि कोई कौन सी एलईडी ऑफ और ऑन हो रही है, इसके हिसाब से हम जीरो से नाइन डिजिट डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके यूज बहुत ही, इसके यूज तो आप मैंने कहा था कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप कर रहे हैं, आपकी घड़ी में लगे हुए हैं, वॉच क्या कहते हैं कैलकुलेटर्स में लगे हुए हैं, कुछ मैंने लिखे, देखिए लाइट इमिटिंग डायोड इमिट्स इधर इंफ्रारेड और विजिबल लाइट। देखिए इंफ्रारेड मैंने कहा था, जब वो उसका ईजी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर ईजी की वैल्यू जैसे उस केस में हमने जस्ट, ये अगर आप देखना चाहें जस्ट इस केस में देखिए, हमने ईजी की वैल्यू 1.45 ली थी तो 8500 एंगस्ट्रम आया था, ये इंफ्रारेड रीजन में आया। तो अगर हम इस रीजन में ऐसा मटेरियल लें कि ये इस रीजन में ऑपरेट करें, रीजन में ऑपरेट करें, तो ये हम इसको बगलर अलार्म के रूप में यूज कर सकते हैं। विजिबल एलईडी फाइंड एप्लीकेशन इन न्यूमेरिक डिस्प्ले लाइक वॉचेस, कैलकुलेटर्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल, टेलीफोन स्विचेस बोर्ड्स एटसेट्रा। द लेजर डायोड इमिट्स ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेजर डायोड अगर हम इस तरह की लाइट अगर वो यूज करें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेजर। इंफ्रारेड एलईडीज इज पोटेंशियल सोर्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, या इसका यूज है। सबसे जो आज आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने बिल्कुल इसीलिए इसको रेड कलर में कर रहा है, दे आर रैपिडली रिप्लेसिंग कैथोड ट्यूब्स इन सॉलिड स्टेट वीडियो डिस्प्ले। आपके पास जो कभी टेलीविजन में जो आपका स्क्रीन होता था उसके अंदर सीआरओ लगा होता था, सीआर ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब को अब ये आपकी एलईडी लगी हुई है, इसने जो है रिप्लेस कर दिया है। इसका बेस्ट परफॉर्मेंस, लेस कॉस्ट की वजह से ये रिप्लेस कर रहा है सीआर ट्यूब्स को। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ एलईडी। ये मैंने यहां पर एक आपको दिखाई यूज, ये कल हमने डिस्कस किया, ये वाला पोर्शन पीएन जंक्शन डायोड से हमने ये रेक्टिफायर बनाया एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ये डीसी जो है ये प्योर डीसी नहीं हो पाते, तो हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स यूज किए। देखिए यहां पर हमने एक फिल्टर यूज किया हुआ है,
इनलेट फिल्टर्स क्या है, ये एल और सी के कॉम्बिनेशन से हम फिल्टर्स बनाते हैं, सीरीज इंडक्टर, शंट कैपेसिटर, एल सेक्शन या पाई सेक्शन कोई भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। उसके बाद जो आउटपुट आ जाता है वो फिर भी जो है वो रेगुलेटेड नहीं होता, मीन्स जैसे इनपुट वोल्टेज वेरी कर गया तो आउटपुट वेरी करने लगता है। तो अगर जैसे हमने कहा कि कोई सर्टेन वोल्टेज से नीचे ऑपरेटिव होता तो फिर ऑपरेट नहीं होगा, या उससे ज्यादा होगा तो डैमेज हो जाएगा। तो इसको वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हमने ये जीरो डायोड लगाया, इसे रेगुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसके बाद आप चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को बिल्कुल डिजिटलाइज कर दिया, तो ये आपने यहां पर लगा दिया डिजिटल मल्टीमीटर, इसका डिस्प्ले आप देख रहे होंगे 14.8 है। तो इस तरह से ये आपने इसमें सारी डिवाइस यूज कर दी, ये रेगुलेटर सिस्टम मैं सॉरी रेक्टिफायर सिस्टम पीएन जंक्शन का यूज, ये फिल्टर सिस्टम, ये हो गया आपका रेगुलेटरी सिस्टम, यहां पर जीरो डायोड का यूज, और यहां पर आपका एलईडी का यूज। थैंक यू वेरी मच।